आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल में। आज का टॉपिक है हनुमान जी का क्या मैसेज है आप सबके लिए। तो यहाँ पे तीन पिक्चर्स है, आपको वही पिक्चर सेलेक्ट करना है जो आपको ज्यादा आकर्षित कर रहा हो। आप एक से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैंने दिया हुआ है, आप जाके क्लिक कीजिए और आप आ जाएंगे अपनी रीडिंग में। तो मैं मिलूंगी आपके रीडिंग्स में। जिन लोगों ने पाइल नंबर वन सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज हेल्प कीजिए। तो इसके साथ और एक कंफर्मेशन कार्ड लेते हैं जानने के लिए कि ये जो क्वीन ऑफ कप्स है ये किस बारे में है। कंफर्मेशन कार्ड दीजिए हनुमान जी। तो यहाँ पे जो क्वीन ऑफ कप्स आया है वो आपको बता रहा है कि आपने अपने लाइफ में एक बाउंड्री सेट किया है। जिस बाउंड्री के अंदर कुछ भी नेगेटिविटी नहीं आ सकता है। आपने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ बाउंड्री क्रिएट किया है, अपने पास एक्सपीरियंस से आपने सीखा है कि अगर आपका एक स्ट्रांग बाउंड्री नहीं है तो कोई भी आपको कुछ भी बोल के चला जा सकता है, कोई भी आपको अटैक करके या फिर कुछ भी करके चला जा सकता है। इसलिए आपने कुछ अपने लाइफ में अपने चेंजेस किया है, जहाँ पे वो लोग ही आ सकते हैं जो कि अलाउड है, हर कोई जो कि डिज़र्विंग नहीं है वो आ नहीं सकते आपके बाउंड्री में। तो उसके लिए आपने कुछ किया है। तो आपको बताया जा रहा है कि हनुमान जी आपको इस रास्ते पे गाइड करेंगे। आपको हनुमान जी एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपने जो बाउंड्री सेट किया है इसके वजह से आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, ये जो डिसीजन है ये बहुत ही वाइज डिसीजन आपने लिया है और आपको बोला जा रहा है कि आपको अवेयर रहना है। ओके, आपके आसपास ओके जो भी हो रहा है आपके सिटी में, आपके शहर में, ओके इवन आपके जो नेबरिंग कंट्रीज में, आपको सतर्क रहना है कि क्या हो रहा है आपके आसपास। ओके, क्या आपको रेस्पेक्ट मिल रहा है ओके, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ आपको नीचे खींचना चाहते हैं। तो आपको कुछ इंसानों के जो है आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं उन लोगों को आपको पहचानना है, क्योंकि इस भरी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है जहाँ पे आप हर किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपके जो लाइफ में ओके आप उन लोगों को ही अलाउ कीजिए जो कि आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं। ओके, नहीं तो बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आपको ये बताया जा रहा है कि एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए जहाँ पे लोग ऐसे ही नहीं आ सकते हैं। ओके, तो और कुछ मैसेजेस देखते हैं। हनुमान जी प्लीज़ कन्फर्मेशन कार्ड दीजिए फाइल नंबर वन को, आप क्या मैसेज। ओके, तो आपको बताया जा रहा है कि अपने आप को पहचानिए, जहाँ पे आपने कुछ अपने आसपास कुछ बाउंड्री क्रिएट किया है, जहाँ पे आपने कुछ लोगों को अलाउ किया है, लेकिन आपको साथ ही साथ इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है कि डिफरेंसेस जो है वो ज़रूरी है। ओके, डिफरेंसेस बहुत नेसेसरी है ताकि आप पहचान सके अपने लोगों को और आप पहचान सके दूसरे लोगों को और आप हर किसी को रेस्पेक्ट करें। लेकिन शायद अगर वो लोग डिज़र्विंग नहीं हैं और आपको जो है हार्म कर सकते हैं, ओके, तो आपको उन लोगों से थोड़ी दूरी तो बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक अगर बाउंड्री नहीं क्रिएट करेंगे तो कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाएगा, क्योंकि वो लोग का जो है मेंटल लेवल पे उतना मैच्योरिटी नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल पे उतना उन लोगों ने काम नहीं किया है। तो उसकी वजह से आपको पहचानना है ओके किसको आपको अलाउ करना है ओके और किसको आपको ब्लॉक करके रखना है। तो वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहचानिए डिफरेंसेस को ओके और अपने लाइफ में पीस को एक्सेप्ट कीजिए। कहीं पे अगर कोई इंसान आपके मेंटल पीस पे अटैक कर रहा है तो आपको उस इंसान से दूरी बना के रखना है। तो आपके लिए जो एडवाइस आ रहा है कि आपको अपना स्माइल जो है हमेशा अपने फेस पे रखना है, क्योंकि आप दूसरों को एक उम्मीद देते हो ओके और
आपको आपके लिए जो सेकंड एडवाइस आ रहा है कि आपको अपने जो स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, अपने गुरु हैं, अपने जो मेंटर्स हैं, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा डीपली सुनना है, एनालाइज करना है, समझना है, ओके? क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है गहराई होता है, मीनिंग होता है, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी लाइफ में। तो और एक फाइनल कार्ड लेते हैं हनुमान जी, पाइल नंबर 1 के लिए आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ एक फाइनल कार्ड दीजिए। तो आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप कुछ एक साथ कर रहे हैं, आप दो नाव पे एक साथ सवार हो चुके हैं, आप बहुत सारे टास्क एक साथ कर रहे हैं, ओके? शायद आप मल्टीटास्किंग करते होंगे या फिर कुछ ऐसा काम करते होंगे जहाँ पे आपको पढ़ना भी पड़ता है, आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ता है और आपको जॉब भी करना पड़ता है, ओके? तो आपको बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि अगर आप इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं और इस जो अप डाउन सिचुएशन, इस डिफ़िकल्टी में आप सर्वाइव करना चाहते हैं, तो आपको अपना हार्ड वर्क जो है और भी इंक्रीज़ करना है। आप ऑलरेडी हार्ड वर्किंग है पाइल नंबर 1, बट आपको और भी हार्ड वर्क करना है, क्योंकि ये जो काम जो आप कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 1 प्लीज़ टाइप कीजिए इन द कमेंट सेक्शन कि माई स्माइल गिव्स होप टू द वर्ल्ड अराउंड मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी दूसरी कुछ और वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है हनुमान जी की तरफ से। ओके, एक कंफर्मेशन कार्ड लेंगे कि ये स्ट्रेंथ कार्ड किस बारे में है हनुमान जी में है। एक कंफर्मेशन दीजिए ये स्ट्रेंथ कार्ड। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके सामने कुछ ऑप्शंस अवेलेबल थे और आपको कुछ कुछ ऑप्शन चूज़ करना था, किसी को चूज़ करना था, किसी इंसान को चूज़ करना था या फिर कुछ ऑक्यूपेशन आपको चूज़ करना था, ओके? और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे थे, किसी इंसान को छोड़ नहीं पा रहे थे या फिर कोई एक जॉब को छोड़ नहीं पा रहे थे, किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके अंदर वो अटैचमेंट था, वो फियर था। तो आपको हनुमान जी बता रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ के साथ इस सिचुएशन को डील करना है, क्योंकि यहाँ पे शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जो कि आपको इमोशनली बहुत डाउन फील करवा रहा होगा, जहाँ पे आपको बहुत टेंशन हो रहा होगा, ओके? शायद किसी शुरुआत के बारे में हो सकता है। तो आपको हनुमान जी बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, जो भी डिसीजन लेना है आपको तो लेना है, तो आपको रेडी रहना है डिसीजन लेने के लिए, ओके? और आपको ये डिसीजन फुल स्ट्रेंथ के साथ लेना है, जहाँ पे आप जो ओल्ड एनर्जी है उसको क्लियर करेंगे और उसके जगह पे आप न्यू एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको हनुमान जी बोल रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करना है आपके विजन को, जो आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर के बारे में कि ऐसा हो सकता है, और वो आप तभी कर सकते हैं जब भी आप अपने माइंड की जो थॉट्स है उसको स्टिल करके आप जो है सोचें, बिना टेंशन के अगर आप सोचेंगे किसी बारे में तो आप डिसीजन ले पाएंगे, ओके? तो आपको अपने माइंड को जो है शांत करना है, ओके? अपने माइंड से पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना है। तो जब आपका माइंड शांत होगा तभी आप डिसीजन ले पाएंगे, ओके? तो आपको अवेयर रहना है, ओके, कि आपका माइंड कैसा है इस टाइम पे, ओके? क्या वो शांत है, ओके? क्या आपका माइंड फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच रहा है, पॉजिटिव सोच रहा है या फिर सिर्फ टेंशन ले रहा है? तो अगर आप सिर्फ टेंशन ले रहे हैं तो आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है, ओके? तभी आप जो है अपने लाइफ की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप पूरा कर पाएंगे। आपको जो काम सौंपा गया है, हनुमान जी ने जो आपको काम सौंपा है वो आप कर पाएंगे। आपका जो मिशन था इस यूनिवर्स में आने का, इस धरती पे आने का, वो मिशन आप पूरा कर पाएंगे जब आप अपने माइंड को शांत कर पाएंगे, ओके? तो दूसरा मैसेज देखते हैं हनुमान जी, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 को आप हनुमान जी क्या बताना चाहते हैं। ओके, कार्ड एक आया है जो कि है सीक ब्यूटी का कार्ड।
ओके, तो आपने किसी चीज़ को बहुत इग्नोर किया है कि शायद आपने उस चीज़ का जो है अहमियत नहीं समझा है। ओके, तो आपको हनुमान जी ये बोल रहे हैं कि आपको अपने लाइफ का जो है एक बिगर पिक्चर जो है उसके बारे में सोचना है। आपको अपने लाइफ में अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको भी आपको समझना है कि आप किसी चीज़ को पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, शायद इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा हो सकता है, तो आपको हर चीज़ में अच्छाई ढूंढना है। ओके, वो आपको हनुमान जी बोल रहे हैं कि हर चीज़ को एक पॉजिटिव इमोशन के साथ आप देखिए, तभी आपके साथ पॉजिटिव होने वाला है और तभी आप पुराने चीज़ों को भुला के इस नई एनर्जी को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो आपके लिए एडवाइस यही आ रहा है कि आपको दूसरों के साथ जो है कंपनी जो है वो आपको इन्जॉय करना है। शायद कुछ लोग हैं आपके आसपास जिसको आप शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, या फिर आपको उन लोगों का कंपनी शायद पसंद होगा लेकिन आप शायद उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपको ये सीख ब्यूटी का कार्ड मिला है कि आपको दूसरे लोगों का जो कंपनी है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको अप्रिशिएट करना है और उसको इन्जॉय करना है। ओके, क्योंकि जब आप दूसरों के कंपनी को इन्जॉय करेंगे तब आप अपने लाइफ में आसानी से आप काम कर पाएंगे। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा जब आप अपनी कंपनी को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपके पास आपके लव वंस नहीं हैं लेकिन आपने कुछ नया फ्रेंड्स बनाया है, तो आप लोगों को उन लोगों के साथ एक ब्यूटीफुल बॉन्ड बनाना है, उन लोगों का कंपनी को आपको इन्जॉय करना है। ओके, आपको फुल हैप्पीनेस के साथ उन लोगों को एक्सेप्ट करना है। तो आपको बताया जा रहा है कि शायद आपको हनुमान जी या फिर आपके जो इष्ट है आपको अपने सपने में आपको गाइडेंस देते हैं, तो आपको उस गाइडेंस को भी समझना है। ओके, इसको इम्पोर्टेंस देना है उस गाइडेंस को। तो एक फाइनल कार्ड लेते हैं हनुमान जी, पाइल नंबर टू के लिए एक फाइनल कंफर्मेशन दीजिए जी। आपका क्या मैसेज है पाइल नंबर टू के लिए? ओके, टेम्परेंस कार्ड मेरे हाथ से ही गिर गया था लेकिन फिर भी हम लेंगे इसको। तो आपको मिला है टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको बताया जा रहा है कि आप होप से ही अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। ओके, अगर आप अपने इमोशन को बैलेंस करेंगे तभी आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास ग्रोथ करने का बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। ओके, अगर आप किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे, ओके, आप हर पहलू को समझेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी चीज़ को तो इग्नोर किया है यहाँ पे, क्योंकि सीख ब्यूटी का कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है आपने किसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है जितना वो डिज़र्व करता था। ओके, तो वो आपको देखना है कि वो किस एरिया में है। ओके, शायद आप कुछ सीख रहे हैं और आपने उस ट्रेनिंग प्रोसेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया होगा, या फिर आप कुछ एडुकेशन आप कर रहे हैं आपका, लेकिन आपने शायद अपनी पढ़ाई को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स लर्निंग के बारे में बता रहा है कि लर्निंग तो बहुत ज़रूरी है। ओके, आपके लाइफ में आपको बहुत कुछ सीखना है और शायद दूसरे लोग भी आपके आपके साथ कुछ सीखेंगे, तो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, शायद ये जो लेसन है आप एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस से आपको मिल रहा है, इसलिए आपको शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कार्ड आपको लर्निंग के बारे में बता रहा है कि आपको लर्न करना है, आपको प्लान करना है। तो पाइल नंबर टू प्लीज़ टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आई फील माई पावर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी दूसरे कुछ और वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपको हनुमान जी क्या बताना चाहते हैं। हनुमान जी प्लीज़ बताइए। जिन लोगों ने एम्परर कार्ड ही मिल गया, ओके,
तो मुझे लगता है कि हनुमान जी आपको अपने बारे में बताना चाहते हैं, आपके खुद के बारे में बताना चाहते हैं कि आपको अपने साथ अच्छा जो है व्यवहार करना है, आपको अपने अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको डिस्कवर करना है कि आप कितने ओरिजिनल हैं, आप कितना अच्छा काम करते हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर कितने वर्च्यूज़ हैं। तो आपको हनुमान जी आपके अंदर की जो विजडम है उसको पहचानने की बारे में बता रहे हैं कि अपने आप को पहचानिए और आप कितना अपने आप को निखार सकते हैं, आपने कितने आपको कितना आप अपने आप को आप और भी जो है शार्प कर सकते हैं, अपने टैलेंट्स को, अपने क्वालिटीज़ को, ओके, और अपने वर्च्यूज़ को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना, उसको कैसे कर सकते हो। तो हनुमान जी आपको इस बारे में बताना चाहते हैं कि अपने अंदर की जो है इनर कंपास को समझिए, ओके, कि आपके अंदर वो सच्चाई है, जो सच्चाई अगर आप एक बार समझेंगे तब आप अपने आप को कभी भी डाउट नहीं करेंगे, आप अपने आप से बहुत प्यार करेंगे, ओके, तो आप अपने आप को बहुत ही केयर करेंगे अपने आप के लिए, जब आप अपने आप की जो सच्चाई है उसको समझेंगे और आपको पता चलेगा कि जो भी हो रहा है इस दुनिया में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो आपके अंदर में हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके, तो आपको हनुमान जी आपके लाइफ में जो आप हीलिंग एनर्जी अपने आप को प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं अननोइंगली, आपके अंदर से ही आप बहुत सारे हीलिंग एनर्जीज आप दूसरों को भी देते हैं और अपने आप को भी आप हील करते हैं, अपने खुद के पेन को भी आप हील करते हैं, तो आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, ओके, शायद आप जब सोते हैं तब आप अपने आप को हील करते हैं और जब आप जागते हुए आप दूसरों को भी हील करते हैं, तो आपको यही बताया जा रहा है। कन्फर्मेशन कार्ड लेंगे हनुमान जी, प्लीज़ कन्फर्मेशन कार्ड दीजिए। फाइल नंबर 3 से लेके आए हैं। ओके, तो आपको बताया जा रहा है कि आप कितना खास हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दो बच्चे हैं और ये बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है इंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ओके, तो आपके लाइफ में आप ये जो एनर्जी है ना सिर्फ अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप ये एनर्जी दूसरों को भी दे सकते हैं, ओके, जो एनर्जी है लाफ्टर का आप दूसरों को भी दे सकते हैं। तो आपको अपनी जो है अंदर की स्ट्रेंथ को समझना है, क्योंकि आपको एम्परर की तरह दिखाया जा रहा है इस रीडिंग में कि आप ना सिर्फ एक एम्परर है बट आप दूसरों को भी एक एम्परर की तरह फील करा सकते हैं, ओके, दूसरों को भी वो सेम एनर्जी आप पास कर सकते हैं, ओके, तो ये एनर्जी है एम्पावरमेंट का, ये एनर्जी है खुद के अंदर का जो स्ट्रेंथ है उसको समझने का, ओके, क्योंकि आप मुझे लग रहा है कि आप अपने जो बेस्ट वर्जन है उसकी तरफ आप जा रहे हैं, आप छोटी मोटी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहे, आप बिगर जो है वो पिक्चर के बारे में सोच रहे हैं, आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है, आपने इस यूनिवर्स का लव को एक्सेप्ट किया है, आप दूसरों को भी लव देना चाहते हैं, ओके, तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ओके, इसकी वजह से आपने अपने लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स को आपने अट्रैक्ट किया है। तो कुछ और कार्ड्स लेते हैं हनुमान जी, प्लीज़ कन्फर्मेशन दीजिए। पाइल नंबर 3 को आप क्या बताना चाहते हैं? कंपटीशन। तो आपको ये बताया जा रहा है अगर आप कोई भी कंपटीशन फील कर रहे हैं तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप उस कंपटीशन को आराम से जीत सकेंगे, ओके, क्योंकि आपका जो काम है वो बहुत यूनिक है, वो किसी के काम से मैच नहीं करता है, वो बहुत ही अनोखा है, ओके, बहुत हटके है, तो आपको वही चीज़ आपको आगे लेके जाएगा, तो आपको अपने लाइफ में अपने काम को यूनिक रखना है, ओरिजिनल रखना है, तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप आगे जाके बहुत सेल्फ रिलायंट बनेंगे, ओके, और अगर कोई भी कंपटीशन आता है तो आप उसको आसानी से पुश कर पाएंगे अपने लाइफ से, क्योंकि आप रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, आप बहुत ही करेजियस है पाइल नंबर 3, ओके, और आपका जो करेज है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इसलिए भी है क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है। तो फाइनल एक कार्ड लेते हैं हनुमान जी, प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 3 के लिए आप क्या बताना चाहते हैं? हनुमान जी प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 3 के लिए।
ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड ही आ गया। तो आपको बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं उसमें आपको फुलफिलमेंट मिल रहा है, उसको आप उसमें आपको फुल कंप्लीशन, हैप्पीनेस, सब कुछ मिल रहा है। ओके शायद ये रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकता है या फिर करियर के बारे में भी हो सकता है, किसी भी एरिया में हो, लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिल रहा है, क्योंकि 10 एक बहुत ही अच्छा कार्ड है जो कि बता रहा है कि यहाँ पे आप हैप्पीली अपना लाइफ जी सकेंगे। ओके रिलेशनशिप वाइज भी और हर चीज़ में आपको कंप्लीशन मिलेगा। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तभी भी आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। तो आपको हनुमान जी यही बोल रहे हैं कि आपको सैड कभी भी नहीं होना है क्योंकि आप एक एम्परर हो। तो पाइल नंबर 3 प्लीज़ टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आई फील द मैजिक इनसाइड मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैं आपको मिलूँगी दूसरी कुछ और वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।